आज अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए एक्टिव वॉइस में तो अपन उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। तो पहले तो कहीं कहीं पर हमें ग्रामर्स में ऐसा भी लिखा मिलता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पैसिव वॉइस नहीं लेता है, मतलब पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है तो वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो, सेंटेंस किसी भी टेंस का क्यों ना हो, अगर वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है तो निश्चित रूप से वो पैसिव वॉइस में चेंज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को देखते हैं तो सबसे पहले तो अपन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में इसकी खुद की एचबी आ जाएगी जो हैज बीन या हैव बीन होगा, और साथ में बीइंग का प्रयोग हमें करना होगा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, बाई सब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करके हमें बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस है अपने पास, दिनेश हैज बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 3 डेज। तो यहां पर दिनेश जो है वो तो अपना क्या है, सब्जेक्ट है, हैज बीन रीडिंग ये अपनी वर्ब हो गई और ए नॉवल ये ऑब्जेक्ट है, फॉर 3 डेज ये अदर वर्ड के रूप में देखेंगे इसको अपन, तो इसको कहीं भी हमें चेंज वेंज नहीं करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे तो ऑब्जेक्ट आ गया हमारा ए नॉवल, ए नॉवल सिंगुलर है तो सिंगुलर होने के कारण हैज बीन आ जाएगा, और बीइंग अपन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास क्या आई हुई है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई हुई होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में से आईएनजी को दर्शाने के लिए बी वर्ब लगाकर बीइंग कर दिया जाता है, और रीड की थर्ड फॉर्म जो रीड होती है वो अपन रख देंगे, और बाई लगाएंगे सब्जेक्ट अपने रख दिया, और ये जो अदर वर्ड अपना था वो जुकाती हूं वहीं पर एंड में रख दिया। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किसी वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो मतलब है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ये जो टेंस होते हैं इनके जो सेंटेंस है वो पीवी में चेंज नहीं होंगे। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो निश्चित रूप से उनका पीवी बनेगा। अब आगे अपन बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस का कोई सेंटेंस आ जाए उसको पीवी में किस प्रकार से चेंज करें, याद ये रखना मेरी बताई हुई है कि कंटीन्यूअस में खुद की एचपी लगाना है, बाकी में अपने से अगले वाले की। तो पास्ट सिंपल के अंदर अपन पास्ट कंटीन्यूअस की एचपी का यूज करेंगे जो होगी अपने पास वाज या वर, बाकी फॉर्मूला जो कथन है ही। तो राम रोट मेनी लेटर्स फॉर हर, यहां पर सेंटेंस को पहचानेंगे, रोट अपने आप में पास्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म है, तो ये सेंटेंस अपना हो गया पास्ट सिंपल टेंस का। तो राम तो यहां पर क्या था, अपना सब्जेक्ट था, रोट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, मेनी लेटर्स ये हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट, फॉर हर ये अदर वर्ड के रूप में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाते हैं, मैनी लेटर्स, मैनी लेटर्स क्या है, बहुवचन, तो इनके साथ में वर आ जाएगा, वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना दी अपने, रिटर्न बाय प्लस सब्जेक्ट और अदर वर्ड को जुड़ा दूं रख दिया, तो ये सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया, मैनी लेटर्स वर रिटर्न बाय राम फॉर हर। अब आगे अपन बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। अब बात करते हैं अपन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमारे पास आ जाए तो पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से उसे चेंज करेंगे। तो ये अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अब देखो पास्ट कंटीन्यूअस में खुद की एचपी काम में आएगी तो वाज या वर, और साथ ही इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होगा इसलिए बीइंग का प्रयोग हमें करना होगा, बाकी फॉर्मूला अपने पास जो करते है ही। तो देखिए सेंटेंस अपने पास आ गया, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन दोज डेज। तो सेंटेंस को सबसे पहले पहचानेंगे अपन, आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पर वाज या वर में से एक आ रहा है और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आ रही है तो ये निश्चित रूप से किसका है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस। तो ये दे तो अपना हो गया यहां पर सब्जेक्ट, वर प्लेइंग यहां पर हो गया अपना वर्ब, और क्रिकेट अपने पास आ गया ऑब्जेक्ट, और इन दो डेज ये एडवर्बियल हो गया अपने पास, ये मतलब अदर वर्ड के रूप में देखेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिया क्रिकेट, क्रिकेट क्या है सिंगुलर, सब्जेक्ट है इसलिए वाज लगा दिया,
और बीइंग का प्रयोग कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहां रख दी। बाई देखो ऑब्जेक्टिव केस जो देम होता है वो रख दिया और अदर वर्ड जो था जो का रख दिया। तो मेरे पास बन गया क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम इन दोस डेज। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में क्या है, पास्ट परफेक्ट में याद नहीं रखना है परफेक्ट की एच भी नहीं लगेगी पेशी को बनाते वक्त पे। इससे अगले वाले टेंस की तो इसकी खुद की तो हेड होती है, इससे अगले वाले की होगी हैड बीन। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हैड बीन हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, बाकी फॉर्म का सेम टू सेम है ही। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ही हमारा सब्जेक्ट है, हैड फिनिश्ड वर्ब हो गई और हिज होमवर्क ऑब्जेक्ट। तो हिज होमवर्क को सबसे पहले ले लेंगे, हिज होमवर्क क्या है ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के साथ में हैड बीन जो परफेक्ट की नहीं परफेक्ट कंटिन्यूअस की हमें लगानी होगी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा दी। बाई ही जो अपने पास सब्जेक्ट था उसके ऑब्जेक्टिव केस के रूप में उसको रख दिया यहां पर बाय हिम। तो हमारा सेंटेंस बन गया हिज होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब हम आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखो ग्रामर्स में तो कुछ मिल जाएगा हमें कि भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो पीवी में चेंज नहीं होता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वर्ब हमारे पास ट्रांजिटिव है तो निश्चित रूप से पीवी में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एच भी खुद की लगाएंगे, बस ध्यान रखने के लिए ये रखना है कि यहां पर क्या होगा बीइंग का प्रयोग होगा इसमें, बाकी फॉर्मूला सेम वो का वही है जो अन्य टेंसेस में काम में आ रहा है। सेंटेंस देखते हैं अपन। सी हैड बीन राइटिंग ए नोवेल सिंस 2014। यहां पर सी अपने पास हो गया सब्जेक्ट, हैड बीन राइटिंग अपनी हो गई वर्ब और ए नोवेल ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे ए नोवेल, ए नोवेल के साथ में हैड बीन और बीइंग आज हमें जोड़ना होगा क्योंकि हमारे पास जो वर्ब आई थी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आई हुई थी जिसमें से राइट को तो हम पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे रिटर्न बढ़ जाएगी वो तो, और आईएनजी को दर्शाने के लिए हमें बीइंग का प्रयोग करना होगा। तो ए नोवेल हैड बीन बीइंग रिटर्न बाय लगा के जो सी अपने पास सब्जेक्ट आया था उसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर और जो अदर वर्ड था अपना उसको झुका क्यों रख देंगे सिर्फ 2014। अगले टेंस की बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस, वहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है उसके बाद में इसमें खुद में तो शैल और विल का यूज होता है परंतु एच भी हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की लगानी होगी जो होगी शैल भी या विल भी। वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगा देंगे बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड। सेंटेंस देखते हैं आई शैल गिव यू ए पेन। यहां पर आई सब्जेक्ट है, शैल गिव वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लाकर अपन सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले ए पेन को मैं इधर लेता हूं। हाँ एक बात विशेष जो है वो सुन लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन पहले ले आएंगे परंतु जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में हमें रखना होगा। अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट सजीव होगा तो हमें टू लगाकर उसे दर्शाना होगा और अगर निर्जीव होगा तो विदाउट टू के हमें जू का तू ही रखना होगा। ए पेन ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ए पेन, ए पेन के साथ में विल भी आएगा नेक्स्ट भी, तो विल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी और ये जो सजीव ऑब्जेक्ट था इसके लिए अपन ने टू लगा दिया और यू को जो का तू रख दिया बाई लगा के और आई को चेंज कर देंगे मी में। तो हमारा सेंटेंस बन गया ए पेन विल बी गिवन टू यू बाय मी। दूसरा अपन कि अगर पहले यू को इधर लाते हैं तो यू यू के साथ भी विल बी ही आना है, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ विल बी का यूज होगा। तो यू विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होगी। अब दूसरे ऑब्जेक्ट को हमें लगाना होगा, इसको विदाउट टू टू के लगा देंगे तो यू विल बी गिवन ए पेन बाय मी। हमारा जो आई था वो ऑब्जेक्टिव केस में आकर यहां मी के रूप में आ जाएगा तो ये बन गया यू विल बी गिवन ए पेन बाय मी। इस प्रकार से हमें इन सेंटेंस को पीवी में चेंज कर लेंगे। अब आगे अपन अगले टेंस को देखते हैं जो हमारा होगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद में कंटीन्यूअस में खुद की ही एच भी काम में आती है शैल बी या विल बी। साथ ही में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें बीइंग का प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि अपने पास जो
वर्ब आएगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की होगी, जिसमें से जैसे सी एडवेल कॉल है तो कॉल को तो थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, परंतु आईएनजी को दर्शाने के लिए हमें बीइंग का यूज करना होगा। सेंटेंस अपन देखते हैं, सी विल बी कॉलिंग मी, ये हमारा जो सेंटेंस है कि वो इसका ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। जब इसकी पीवी बनाएंगे तो सबसे पहले अपन मी जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको ले आएंगे, तो इधर ये सब्जेक्टिव केस में आएगा आई के रूप में, आई के साथ में शैल बी बीइंग हमें जोड़ना होगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म है वो बना दी, और बाई लगा के सी जो सब्जेक्टिव केस में था अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, तो सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा आई शैल बी बीइंग कॉल्ड बाई हर। अगले टेंस की बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी खुद की एचपी काम नहीं लेंगे, इससे अगले वाले टेंस की एचपी काम में लेंगे। परफेक्ट में तो खुद की जो एचपी आती है वो शैल हैव या विल हैव होगी, परंतु इसे अगले टेंस की जो लगने वाली है वो शैल हैव बीन या विल हैव बीन होगी। सेंटेंस देखते हैं, आई शैल हैव डन माय वर्क बाय 2025, कि मैं 2025 तक मेरा कार्य कर चुका हूंगा। तो यहां पर आई अपने पास सब्जेक्ट था, शैल हैव डन ये अपनी वर्ब थी, और माय वर्क ऑब्जेक्ट, बाय 2025 एडवर्ब है, अदर वर्ड के रूप में देखेंगे इसको। तो सबसे पहले माय वर्क को यहां ले आए, उसके बाद में माय वर्क के साथ में विल हैव बीन जोड़ दिया, वर्ब की जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आई थी वो लगा दी, बाई लगा के अपना आई जो सब्जेक्टिव केस में आया हुआ था यहाँ पर उसको ऑब्जेक्टिव केस में मी के रूप में रख दिया, और अदर वर्ड को जुक करते हूँ रख दिया। इस प्रकार से हमें फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उनको पीवी में चेंज करेंगे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है वो पीवी में चेंज नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती है। अगर वर्ब हमारी ट्रांजिटिव है तो निश्चित रूप से वो पीवी में चेंज हो सकता है। अब अगला टेंस अपन देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि हमारा लास्ट टेंस होगा। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फॉर्मूला वही है, एचवी है वो खुद की ही प्रयोग में आएगी, इसमें एक ध्यान ये रखना है कि इस टेंस में हमें बीइंग का प्रयोग करना होगा। तो सेंटेंस देखते हैं, ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 2025, तो ही अपना सब्जेक्ट है, विल हैव बीन राइटिंग ये वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आएंगे, ए लेटर के साथ में विल हैव बीन, और बीइंग हमें जोड़ना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और बाई लगाने के बाद में ही जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में था उसका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ ही में आ जाएगा, और जो अदर वर्ड हमारा बचा हुआ था वो जुका के ऊपर रख देंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस आए तो उसको हम पीवी में चेंज कर सकते हैं। आज ये जो टॉपिक हो गया है अपना, ये अपने टेंस से संबंधित हो गया है, टेंस के प्रत्येक टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको यहाँ पर समझा दिया गया है। इससे अगला जो पार्ट है वो अब जल्द ही उसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। अब विशेष बात इस टेंस से संबंधित थी वो थोड़ी सी मैं बता देता हूं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एचबी की रेंज क्या हो सकती है, एचबी की रेंज पूछी जाती है, जिसमें ऑप्शन होते हैं 0, 2, 1, 3, 0, 4, 1, 5, इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। पर ये क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस का हो, डायरेक्ट का हो, इनडायरेक्ट का हो, कमांड वाला हो या अन्य कोई हो, पूछने का मतलब यह है कि किसी भी सेंटेंस में एचबी कम से कम कितनी हो सकती है और अधिक से अधिक एचबी कितनी आ सकती है। तो कई ग्रामर्स में ऐसा मिलता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अगर पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे तो केवल और केवल हमारे पास तीन ही वर्ब रहेंगी एचवी के रूप में, जैसे एक्टिव वॉइस का वाक्य है विल, हैव और बीन, ये अपनी फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो तीन ही एचवी आएगी, जबकि एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसका सही जो आंसर माना जाता है वो 0 से 4 को माना गया है। तो कम से कम 0 होती है वो तो प्रेजेंट सिंपल में देखने को मिलता है कि राम ईट्स फूड, वहां पर कोई भी एचवी का प्रयोग नहीं हुआ है,
तो वहां तो जीरो हो गई, तो कम से कम तो जीरो होती है किसी भी सेंटेंस में, एच की है वो कम से कम जीरो हो सकती है। अब अधिकतम की बात करें, अधिकतम कितने आ सकते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई जो वाक्य होगा एक्टिव वॉइस का, उसको जब हम पीवी में चेंज करेंगे तो हमारे पास वहां पर चार एच भी निकल के आएंगी। एक जैसे इसमें देखते हैं विल, एक हैव, एक बीन और एक बीइंग, 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से ये चार एच भी यहां पर बन गई। तो अगर हम ये मान लें कि भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है, तो फिर ये 0 से 4 वाला आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जबकि 0 से 4 वाला आंसर क्या माना है, एकदम सही माना जाता है। तो 0 से 4 कब सही माना जाएगा, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा उसको पीवी में चेंज करेंगे तभी 0 से 4 आंसर सही आएगा। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं होती है कि फला फला टेंस होते हैं वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं। टेंस का पैसिव वॉइस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर हमारी वर्ब ट्रांजिटिव है तो हम निश्चित रूप से उसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब अगला पार्ट है वो कल के वीडियो में देखना।